वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आप बताइए मेरी YouTube फैमिली, आप लोगों की गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? बहुत 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 गर्मी है कराची में, और आप लोग बताएं कि आप लोग जहाँ जहाँ से हैं, कहाँ कौन किस शहर से हैं, आप लोग बताइए कि वहाँ गर्मी है कि नहीं, या मौसम ठीक है? कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो गाइस इस व्लॉग का स्टार्ट होता है यहाँ से। अभी मैंने इनको डांटा है तो ये बेचारी चुप हो गई है बिल्कुल। बोलो कुछ। अच्छा बस। तो गाइस अभी बाहर जाने का मूड हो रहा था तो बाहर सब ये देखें बच्चे भी तैयार हो गए हैं और सलाम करते हैं, ये नहीं करते। तो अभी बस बाहर जाने का मूड था, अभी खाना खाने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेट्स सी। अभी गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। पूछे मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, पूछिए। तो गाइस बस अभी निकलना हो रहा है हमारा, अभी जाते हैं। क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है, क्या खाना होगा, कुछ अभी नहीं पता। तो गाइस आप लोगों से एक बात और करनी थी कि मैं देख रही हूँ कमेंट सेशन में कि कुछ हेटर्स आ रहे हैं यार, जिनको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती ना, तो वो लोग अपनी बातें बंद करके रहें, ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो बोलिए, बताइए, बोले जो बोलते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बोलते रहें, आप बोलते रहें, और जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे फैंस हैं, वो मुझे लाइक जरूर करें, वो लाइक करें, सपोर्ट भी करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स को। तो गाइस अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आपको फिर मैं अपडेट देती हूँ। तब तक आप लोग, क्योंकि अभी ये देखिए रात हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना अभी जब जाना ही है बाहर तो मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और लोगों का कहना है, जो हेटर्स हैं वो लोग कहते हैं कि भाई आप खाना दिखाया करें कि आप क्या खा रही हैं, ज़रूरी नहीं है। हाँ माना कि हर चीज़ ज़रूरी होता है दिखाना, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाना क्या खा रही हूँ मैं, खाना किस तरह खा रही हूँ मैं, तो हर चीज़ दिखाना ज़रूरी तो नहीं होता। बहरहाल काफ़ी ब्लॉगिंग्स जो होती हैं वो यही होती हैं कि लोग जब बाहर जाते हैं, ज़ाहिर है एक कंटेंट आपको क्रिएट करना होता है, कंटेंट बनाना होता है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कंटेंट में ये बताओ कि खाना क्या खा रही हूँ, कितने निवाले खा रही हूँ, किस तरह खा रही हूँ, ज़रूरी नहीं होता। एक कॉमेंट मेरे पास आया है बट उनको मैंने कुछ इतना हावी नहीं किया है और ना मुझे कोई नीड है उनको ये बकवास करने की। तो मैं ज़रूरी नहीं समझती कि उन लोगों का अपना खाना ज़रूर दिखाऊं कि भाई हम किस तरह खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। चाहती हूँ आप लोगों को अपडेट देती हूँ, कोशिश मेरी पूरी ये होती है कि मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँ कि कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही। जब जाना नहीं होता है या बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ तो मैं व्लॉग नहीं बनाती, नहीं बना सकती। तो आई होप जिसने मैसेज किया वो समझ गए होंगे मेरी बात को। बोले बस चले ठीक है, अब वहाँ जाके आपसे बात होगी, बहुत बातें हो गई अभी, वहाँ जाके मेरी बात हो गई। ओके वही एज यूजुअल ट्रैफिक जैम। आ गए हैं हम, आए हैं पाव गली, काफ़ी मतलब टाइम बाद अभी यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ का खाना हमें मुझे लगा था अच्छा, तो बस अभी वहाँ आए हैं। ये देखिए खाओ गली, ये अभी हम यहाँ पर आए हैं, अब खाना देखते हैं क्या खाना है, देखते हैं। मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, बस ये सब ओपन है। जौहर में है खाओ गली, मैं वहाँ आई हूँ अभी और बस खाना ऑर्डर करते हैं, बच्चे गए अपने खेल में। तो ये बच्चे गए हैं खेलने के लिए, बस मैं अभी ऑर्डर देंगे, देन
ठीक है, आज बहुत ज़्यादा, आज है संडे तो आज रश बहुत है, ऐसे ही रश रहता है ना, लेकिन आज संडे है तो इस वजह से ज़्यादा रश है। संडे है तो आज ज़्यादा रश है। हाँ, अभी देखते हैं कि ऑर्डर क्या करना है, ऑर्डर करते हैं तो देन फिर वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाजमी लाजमी मुझे एटलीस्ट 2K तक नेक्स्ट मंथ तक हो जानी चाहिए, आप 2K तक लाजमी मुझे करवाएं। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत नीड है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझसे मोटिवेशन ही मिलेगी। तो गाइस देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है, बस हम खाना भी आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि खाना कैसा है। ठीक है गाइस, यकीन माने कि इतना अच्छा माहौल है और बहुत सुकून है। अगर बच्चों के साथ नहीं आए, वैसे तो बच्चों के साथ आए, लेकिन अगर बच्चे के साथ नहीं आए तो सुकून 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 वाकई बहुत अच्छा है। आप लोग पीछे आवाज़ भी सुन रहे होंगे गाने की। अब ये होगा कि कॉपीराइट आ गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर गाने वगैरह का भी है ये, ठीक है। तो बस गाइस वाकई माहौल अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आइएगा, खाना भी टेस्ट करके बताते हैं कि खाना कैसा है यहाँ का। हाँ कम ही मंगवाएँ ना, तो बस मुझे तो माहौल यहाँ का वाकई अच्छा लगा है। मैं भी इनसे यही कहती कि बच्चों के साथ ना बिल्कुल दिल नहीं है, बच्चे जबकि अपने स्विंग्स पे गए हैं, खेल रहे हैं, स्लाइड पर गए हैं, बच्चों का प्ले एरिया भी उन्होंने अलग बनाया है, तो बच्चे अपने एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही बोलती हूँ कि आए हैं तो बंदा बच्चों के बगैर आए थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, सुकून में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी सर बच्चों के साथ भी आना ज़रूरी है। तो अभी ऑर्डर दिया नहीं, ऑर्डर देती हूँ तो फिर मैं आपको गाइस ये है प्ले एरिया बच्चों का। गाइस फ़िलहाल तो ऑर्डर आ चुका है, क्या है ये पास्ता, नहीं फ्रेडो पास्ता आई थिंक, ये कढ़ाई है और ये रोटी है। क्या हुआ, खाओ ना फ्राइज अपने। अम्मा? जी ये देखें इसके फ्राइज बन, थोड़े से एक दो फ्राइज का है और वैसे चीखना शुरू। ये खुद ये हटाइएगा कढ़ाई, ये है कढ़ाई वाइट सॉस का। गाइस खाने के बाद इस वक्त है चाय, चाय ऑर्डर की है, रिव्यू देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, खाना पूरा फिनिश हो गया है और नो डाउट रिव्यू मैं आपको देती हूँ, खाना वाकई बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट आई हुई हूँ और मैं ऐवें ही तारीफ़ कर रही हूँ ये वो, नहीं खाना वाकई बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी जगहों का खाना इतना कुछ खास मुझे अच्छा लगता नहीं है, बट मुझे खाना वाकई बहुत अच्छा लगा, क्रीमी था और मंगवाई भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पास्ता की तो क्रेविंग कल से ही हो रही थी कि बस पास्ता खाना है। बट बहरहाल रिव्यू अब मैं अच्छा ही दूंगी, एक्सलेंट दूंगी, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगी आप लोग भी यहाँ पर आएँ, ये नहीं है कि मैं इनको प्रोमोट कर रही हूँ या कुछ कुछ ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पर जस्ट अचानक आई थी और वाकई मुझे ये न्यू जगह लगी और बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ तक कि मुझे मतलब माहौल अगर आप आके देखेंगे, माहौल चल करेंगे, मतलब माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, रिलैक्स हो जाता है बंदा, सुकून में आ जाता है थोड़ा। तो अभी बस खाना वगैरह खा लिया, अब चाय पीते हूँ, चाय पीने के बाद देन मैं बस अब निकलूँगी घर के लिए। अभी तक बच्चों का कोल्ड ड्रिंक जूस ये सब चलता जा रहा है, तो गाइस अभी बस घर के लिए निकलना है, देन उसके बाद फिर आप लोगों से करूँगी
ये था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग, मिनी व्लॉग भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं मेरा छोटा सा व्लॉग ये था। मैंने पूरे दिन की रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं की है पूरे दिन, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर जा रही हूँ तो वीडियो बना ली जाए, तो बस इसलिए व्लॉग मैंने अभी ही रात, मतलब रात में ही स्टार्ट कर दिया जब मैं आ रही थी। तो अब बस मैं जाते जाते ही व्लॉग का एंड करूँगी, फिर जब निकलूँगी तो फिर आपको इसे अपडेट करूँगी। ये देखें बच्चों की यही एंजॉयमेंट रहती है। गाइस मैं आपको व्यू तो चेक नहीं करवा सकती क्योंकि यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, इर्द गिर्द मेरे सारे लोग हैं, तो बस यही दिखा सकती हूँ अभी, और मैं अपनी टेबल दिखा सकती हूँ। फाइनली मैं खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इस व्लॉग का एंड मैं यहीं तक ही उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ये देखिए आसमान देखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्यों नहीं करना सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर लाजमी कीजिए।